इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि आए दिन समाज में ऐसे दृश्य आम होने लगे जिससे जिनको देखने से जिनको सुनने से हमारा हृदय जो है विदीर्ण हो रहा था। सेंसर बोर्ड के खिलाफ नहीं है, हम उसका पूरक हैं। जो चीज़ उससे छूट जा रही है उस पर हम अपना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास धार्मिक कोई विशेषज्ञ नहीं है, तो उस कमी को पूरा हम करेंगे। तो हमारा कोई धार्मिक व्यक्ति पापी ना हो जाए, इस मामले में दोषी ना हो जाए, इसके लिए उसको हमको दोष पाप से बचाए रखना जिम्मेदारी है। तो हम तुरंत सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि ये फिल्म जो है ये आपके ना देखने लायक है। अगर सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता तो कोई साक्षात्कार ना होते। सर्टिफिकेट आप जमा कर देते हैं, उसके बाद साक्षात्कार लिया जाता है कि सचमुच सर्टिफिकेट के अनुसार चीज़ है कि नहीं है। तो सर्टिफिकेट अंतिम नहीं होता है, अंतिम होता है हमारा अनुभव। अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले ना हो तथा सुष्टु भाषा के संवर्ग वाले हो, दो अर्थ वाले शब्द। लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं कुछ परिष्करण की आवश्यकता है, क्षण करके चीज जानी चाहिए, सब कुछ ऐसे चला जाना ठीक नहीं है, समाज में अच्छा नहीं जाएगा। तब उन्होंने सेंसर बोर्ड स्थापित किया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई कि आए दिन समाज में ऐसे दृश्य आम होने लगे जिससे जिनको देखने से जिनको सुनने से हमारा हृदय जो है विदीर्ण हो रहा था, हमको चोट पहुंच रही थी। तो हमको लगा कि इस पर रोक कहीं ना कहीं से तो लगानी चाहिए। सेंसर बोर्ड पहले से हमारे देश में बना हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें सामने आ जा रही हैं, लोगों को खड़ा होना पड़ता है, आप समझिए कि हल्ला मचाना पड़ता है, फिर सरकारी संपत्ति जो है सार्वजनिक संपत्ति उसको क्षति पहुँचती है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, क्या ये देश के लिए अच्छा है, दो लोगों के बीच में दरार पड़ने लग जाती है। तो ये सब अच्छा नहीं है, इसको आगे बढ़ के रोक ही देना उचित समझ करके हमने ये सेंसर बोर्ड बनाया। सेंसर बोर्ड के खिलाफ नहीं है, हम उसका पूरक हैं। जो चीज़ उससे छूट जा रही है उस पर हम अपना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास धार्मिक कोई विशेषज्ञ नहीं है, तो उस कमी को पूरा हम करेंगे। हम उनके विरोध में नहीं है बल्कि उनके पूरक हैं। रूपरेखा ये है कि इसका एक कार्यालय होगा, इसकी एक पहचान होगी, इसका एक सर्टिफिकेट होगा जो समय पर जारी किया जाएगा, आप पूरे समाज को पता होगा। और जो फिल्म निकल करके आएगी, देखिए हमको कोई फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व तो दिखाएगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में पहली बार जैसे ही फिल्म प्रदर्शित होगी हमारे विशेषज्ञ उस फिल्म को देखेंगे, और अगर उसके अंदर ऐसी कोई बात है जो धार्मिकों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम गलत दृश्य देखते हैं तो गलत दृश्य देख करके चुप रह जाने से हमको दोष पाप भी लगता है। तो हमारा कोई धार्मिक व्यक्ति पापी ना हो जाए, इस मामले में दोषी ना हो जाए, इसके लिए उसको हमको दोष पाप से बचाए रखना जिम्मेदारी है। तो हम तुरंत सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि ये फिल्म जो है ये आपके ना देखने लायक है, इसको मत देखिए। तो वो फिर किसी दूसरी फिल्म को देख करके मनोरंजन कर लेगा, उसको छोड़ देगा। हम उनका कान पकड़ करके या उनके ऊपर डंडा मार के तो मनवाएंगे नहीं, हम अपनी बात ठीक से कहेंगे। तो हमको लगता है कि अधिकतर लोग तो समझ करके ही मान लेंगे, और जो फिर भी जिद करेंगे उनके लिए कानून का दरवाज़ा है, उनके लिए समाज है, उनके लिए उनके व्यापार में कमी महसूस करा देना है, आदि आदि बहुत सारे तरीके हैं। वो ये भी कहेंगे कि हमने सेंसर बोर्ड से पास कराया है। हाँ तो ठीक है, पास कराया है, लेकिन फिर भी चुप रही है ना, आपने उसको सिल पर घिस दिया है, अब उसमें नोक नहीं है, फिर भी अगर हमको खरोंच मार रही है तो हम क्या खरोंच खाते रहेंगे कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता तो कोई साक्षात्कार ना होते। सर्टिफिकेट आप जमा कर देते हैं, उसके बाद साक्षात्कार लिया जाता है कि सचमुच सर्टिफिकेट के अनुसार चीज़ है कि नहीं है। तो सर्टिफिकेट अंतिम नहीं होता है, अंतिम होता है हमारा अनुभव। हमारा अनुभव अभी ठीक नहीं है, हमारा अनुभव खरोंच वाला है, इसलिए हमको बोलने का अधिकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।